Hi, this is Anuja Lokre. I'm from Mumbai. मैं एक एक्टर, मॉडल, स्पीच एंड ड्रामा ट्रेनर, योगा ट्रेनर और सोशल एक्टिविस्ट हूँ. मैं यहाँ माउंट आबू ज्ञान सरोवर से बात कर रही हूँ. मैंने थिएटर से शुरुआत की थी. मैं पृथ्वी थिएटर से जुड़ी हुई थी. मैंने पृथ्वी के पंडित सत्यदेव दुबे जी के लिए प्लेस किए. फिर मैंने आविष्कार संस्था के साथ जुड़ी हुई थी. वहाँ मैंने मराठी थिएटर किया हुआ है और उसके बाद में मैं टीवी पे आ गई हूँ. और टीवी पे मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं, एड्स किए हैं. मेरी फेमस एड जो काजोल जी के साथ थी वो रिन की एड. और उसके बाद में मैं करती गई LIC, कोटक विथ विनय पाठक, एवरेस्ट मसाला विथ मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड एगॉन लाइफ. ऐसे बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स मैंने किए हैं. और सीरियल्स अगर नाम लो तो लास्ट मेरी सीरियल थी इश्कबाज. और इसके साथ साथ ही मैं साइमल्टेनियसली योगा की प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ पिछले 15 से 18 सालों से. और मुझे योगा करना बहुत पसंद है, मेडिटेशन करना बहुत पसंद है. और मैं स्पीच एंड ड्रामा ट्रेनर हूँ. मैंने हेलन ग्रेडी इंटरनेशनल लंदन की जो एकेडमी है उसकी फ्रेंचाइजी ली हुई है. और मैं अपने यहाँ एक एक्टिविटी सेंटर चलाती हूँ जिसमें मैं खुद स्पीच एंड ड्रामा सिखाती हूँ और अलग अलग किस्म की क्लासेस चलती है. मेरी फ्रेंड है अंजलि अरोरा जिसने सिंटा में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में ये ब्रह्म कुमारी इसका वर्कशॉप रखा हुआ था. और वहाँ पर मैं पहले गई, तपस्विनी जी से मिली. दयाल जी है यहाँ हमारे ज्ञान सरोवर के कोऑर्डिनेटर, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के, वो आए हुए थे. उनका वर्कशॉप मैंने अटेंड किया और तभी उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ये सेमिनार है ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ज्ञान सरोवर में. और अंजलि जी के कहने पर मैं यहाँ आई. बहुत मुश्किलें थी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कैंसिल किया था. लेकिन अंजलि जी पूरी टाइम, एक वीक मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटलाइज थी वो, तो उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड दिया कि अनुजा कुछ नहीं, तुम सिर्फ मन में सोचो कि तुम्हें, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जाना है वहाँ ज्ञान सरोवर वो सेमिनार के लिए. तो मैंने बताया हाँ मुझे जाना है. तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल कोई भी मन में डाउट मत रखना, सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना कि तुम ज्ञान सरोवर ये सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ. और एवरी मॉर्निंग शी यूज़ टू गिव मी अ कॉल कि तुम जा रही हो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक रहेगी, तुम जा रही हो. और सचमुच इट वॉज़ अ मिराकल. मेरे मम्मी के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए और मैं बिल्कुल, मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं था, वो कंफर्म हो गया मेरा टिकट और मैं यहाँ पहुँच गई. या ये जगह पे आने से पहले ही ये एक्सपीरियंस मुझे मिला. और जब हमारी गाड़ी यहाँ एंटर हो गई और ये ज्ञान सरोवर मैंने देखा, सच अ पीसफुल प्लेस. मैं सबको, मेरा ये कहना है, आवाहन है कि आप प्लीज़ एक बार तो यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिए. सच अ ब्लिसफुल एंड ब्यूटिफुल प्लेस. यहाँ के सारे जो सिस्टर्स हैं, जो भाई हैं, वो इतने अच्छे हैं. उनका बर्ताव, इतना पीसफुली वो बात करते हैं आपको, जो हम वहाँ पर बम्बई में रह के, शहरों में रह के, जो मन शांति हमको नहीं मिलती है. एवरी टाइम वी आर फुल ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशंस, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी है, बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं. यहाँ पर अभी मैंने जो वर्कशॉप अटेंड किए उससे मुझे पता चला, एवरी टाइम वी फील कि सब लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. अरे भाई, लेकिन पॉजिटिव कैसे रहना है, निगेटिविटी को कैसे स्टॉप करना है, क्योंकि निगेटिव थॉट्स तो आपके मन में आते ही रहेंगे, उसकी कैसे स्टॉप करना है ये कोई बताता ही नहीं है. जो यहाँ आकर मैंने सीखा है कि हाउ टू बी पॉजिटिव एंड स्टॉप योर निगेटिव थॉट्स. अगर सामने वाला अगर आपको निगेटिव वाइब्स और एनर्जी दे रहा है, फिर भी आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो. ये सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर आके ज्ञान सरोवर में, ब्रह्म कुमारी आश्रम में ही सीखा है. सच अ लवली एक्सपीरियंस.
you feel all divine souls are around and you feel really peaceful. मुझे इतना अच्छा स्वर्ग जैसा पता नहीं है, मैंने स्वर्ग देखा नहीं है, जो कल्पना लोग बताते हैं स्वर्ग की, और हम हर बार सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे. नहीं, आप यहाँ आइए, आपको स्वर्ग मिलेगा, वो एहसास मिलेगा यहाँ आने के बाद. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है और मेरी सारी इच्छाएं अभी तक की पूर्ण हो गई है. मैं थैंकफुल हूँ दयाल जी से, सिंटा एसोसिएशन से, और अंजलि जी का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का रास्ता दिखाया है. तपस्विनी जी भी उसका ज़रिया बनी है, और यहाँ के सारे लोग जो आज उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है. थैंक यू वेरी मच.